उपदेश सुन करके भी अनसुना हो जाता है और हमारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता है तो हम कहीं से भी ग्रहण करने लगते हैं, समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटे छोटे माध्यम से, लेकिन सीखना इतना आसान नहीं है, सीखना बड़ा कठिन है। शास्त्रों को समझ लेना आसान है, पुस्तकों को पढ़ लेना आसान है, बुद्धि के अंदर विचारों को भर लेना आसान है, बुद्धि के अंदर शब्दों को इकट्ठा कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन अनुभव की एक किरण, अनुभव की एक बूंद ग्रहण करना, प्राप्त करना या उसे अनुभव करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इतना मुश्किल जितना आप आसान समझते हैं उतना ही मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है, सुन लेना भी बड़ा आसान है, समझ लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन अनुभव करना बहुत मुश्किल है। एक फकीर चलते फिरते गांव के अंदर उन्होंने निवास किया, गाड़ी फैलने लगी, दूर तक आवाज चली गई, दूर तक सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनके पास पहुंचे, पूरे गांव ने सलाह की कि क्यों न ज्ञान का उपदेश कराया जाए, सत्संग का कार्यक्रम किया जाए और उस महात्मा को बुलाया जाए, फकीर को बुलाया जाए उपदेश के लिए। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो करके फकीर के चरणों में गया और फकीर को बोला कि आप ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में कुछ उपदेश कीजिए, ज्ञान का, ब्रह्म का, सारा उपदेश कीजिए। जब आप उपदेश करेंगे तभी हमें कुछ जानने को मिलेगा, तभी कुछ खोजने को मिलेगा, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी हम कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं जान पाएंगे। फकीर ने कहा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं जानता परमात्मा के संबंध में, इसके विषय पर कोई भी चर्चा नहीं कर सकता, न मैं कुछ जानता हूँ, न कुछ समझता हूँ। उन्होंने फिर बार बार प्रार्थना की, प्रार्थना करने पर फकीर मान गए और हाँ कर दी और कहा कि एक सप्ताह बाद गांव में आऊंगा और उपदेश करूंगा। पूरा का पूरा गांव इंतजार कर रहा, फकीर क्या उपदेश करेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि इंतजार बड़ा कठिन, एक एक पल का इंतजार बड़ा मुश्किल से। अगर किसी का इंतजार हो जाए तो एक पल भी वर्षों के समान नजर आने लगता है और एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटने लगता है, इतना आसान नहीं रहता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार से होता है जैसे समय का चक्कर रुक गया हो, जैसे समय की सुई, घड़ी की सुई रुक गई हो। इसी प्रकार से पूरा गांव इंतजार करके बड़ा मुश्किल से एक सप्ताह बीता और वो घड़ी आ गई जो समय दिया गया था। फकीर आया, मंच पर विराजमान हुआ और उन्होंने कहा कि मैं कुछ उपदेश करूँ, मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूँ। इससे पहले मैं आप सब लोगों से
एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। उन्होंने सब गांव वालों ने कहा कि बोलिए महात्मा जी, प्रभु आदेश कीजिए। फकीर ने कहा मंच पर विराजमान हो करके, क्या आप ईश्वर को जानते हो? क्या आप परमात्मा को मानते हो? जो जो जानते हैं और जो जो मानते हैं अपने हाथ ऊपर कीजिए। सब के सब लोग, जिस प्रकार से आप लोगों ने हाथ ऊपर किए वहां भी इसी प्रकार से हुआ। फकीर वापिस लौट गया, कहा कि जब सब लोग जानते हैं और सब लोग मानते हैं तो फिर किसको उपदेश करना और क्यों उपदेश करना? जब आप लोगों ने परमात्मा को जान ही लिया, परमात्मा को मान ही लिया, तो फिर उपदेश क्यों करना है? फकीर वापिस लौट गया। फिर गांव वाले इकट्ठा हुए कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, फकीर ने हमारे साथ छल कर दिया, ये हमारे साथ गलत हुआ है, अब फिर कोई न कोई रास्ता निकालिए। सब गांव वाले इकट्ठे हुए, सलाह की, मशवरा किया, विद्वानों को बुलाया गया, सब ने एक ही सलाह दी कि अब की बार अगर फकीर पूछेगा तो हम सब लोग मना कर देंगे। जब फकीर आया, मंच पर विराजमान हुआ, जो ही मंच पर विराजमान हुआ उन्होंने फिर कहा कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप उसका उत्तर सही दोगे तो ही मैं बोलना शुरू करूँगा। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या आप लोग ईश्वर को जानते हो? क्या आप लोग ईश्वर को मानते हो? अब सब के सब लोग मौन हो गए और ना ना कहने लगे, और ये कहने लगे कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सब ओर से एक ही आवाज आने लगी। फकीर फिर वापस मुड़ करके चला गया और उन्होंने कहा कि जब आप न ही ईश्वर को मानते हो और न ही ईश्वर को जानते हो तो फिर आप लोगों के मध्य में बोलने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता, कोई उद्देश्य ही नहीं बनता, कोई लक्ष्य ही नहीं बनता कि मैं आप लोगों को परमात्मा के विषय के ऊपर समझाऊं। अब और बड़ी दुविधा हो गई। केवल दो ही उत्तर होते हैं, हाँ और ना। हाँ भी हो चुकी थी और ना भी हो चुकी थी, लेकिन फकीर फिर वापिस चला गया। फिर विद्वान इकट्ठे हुए, फिर सलाह की, फिर मशवरा किया और बहुत खोज की। अब की बार एक सप्ताह की जगह पर 15 दिन लग गए खोजने को, उत्तर तलाश करने को। उन्होंने बहुत समझदारी का उत्तर खोजा और फकीर को फिर बुलाया गया। फकीर फिर मना करने लगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके बुला ही लिया। जब वो आ गया, आने पर फिर वही सवाल किया कि क्या आप ईश्वर को जानते हो? क्या आप ईश्वर को मानते हो? गांव वालों ने बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने आधे लोगों को कह दिया कि तुम्हें तो ये कहना है कि हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, और आधे लोगों को ये कह दिया कि हम जानते हैं ईश्वर के संबंध में और ईश्वर को मानते हैं। आधे एक कहने लगे एक तरफ के कि हम जानते हैं
और मानते हैं। आधे कहने लगे हम नहीं जानते और नहीं मानते। फकीर मुस्कराया और कहने लगा अब मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यासा भी है, कुआ भी है, जो जानते हैं वो भी हैं और जो नहीं जानते वो भी हैं। जो जानते हैं वो उनको सिखा दीजिए जो नहीं जानते, और वो उनसे सीख लीजिए जो नहीं जानते वो सीख लीजिए, और जो जानते हैं वो सिखा दीजिए। अब की बार बड़ा झटका लगा क्योंकि जानने वाला कोई था नहीं, बस वैसे ही कहे जा रहे थे। अब फिर मुश्किल हुई क्योंकि तीन ही उत्तर हो सकते थे, चौथा उत्तर निकालना बड़ा मुश्किल था क्योंकि जब चौथा उत्तर आता है तो खोज शुरू हो जाती है। फिर पहुंचे सब के सब, वहां से एक साधक गुजर रहा था उच्च कोटि का। उनको बुलाया गया, मशवरा लिया गया। उन्होंने कहा अगर संतों से कुछ जानना है, महात्माओं से कुछ खोजना है, अगर फकीरों से कुछ पाना है, अगर साधुओं से कुछ लेना है तो मौन होकर के उनके सामने बैठ जाइए, और दूसरा कोई तरीका नहीं है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब आप अंदर से मौन होकर के बैठ जाएंगे तो दूसरा ही खेल शुरू हो जाता है। फिर फकीर को बुलाया गया, फकीर ने प्रसन्न किए, फकीर प्रसन्न करता रहा और वो हाथ जोड़े नतमस्तक मौन बैठे रहे। बाहर से भी मौन हो गए थे और अंदर से भी मौन हो गए थे। फिर फकीर ने अपना उपदेश करना शुरू किया, क्योंकि जब तक मौन नहीं हो जाता, जब तक ये मन नहीं ठहर जाता, जब तक बुद्धि के अंदर विचार कम नहीं हो जाते, तब तक उपदेश की शुरुआत नहीं होती। कितना भी बोलते रहें, कितने भी शब्दों का प्रयोग करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन शुरुआत नहीं हो सकती। ये शास्त्र जो आप देख रहे हैं ये कितने हैं, अगर आप पूरी उम्र भी पढ़ते रहें, पूरी उम्र भी खोजते रहें, पूरी उम्र भी बोलते रहें तो भी समाप्त नहीं होंगे, पढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन जब आप अनुभव करोगे, अनुभव का अलग ही खेल है। अनुभव की एक किरण लाखों शास्त्रों से भी बढ़कर है। अगर आपने सूर्य की एक किरण को जान लिया तो आपने पूरे सूर्य को जान लिया। अगर आपने सागर की एक बूंद का रहस्य पता कर लिया तो आपने पूरे के पूरे सागर को जान लिया। ये नहीं, कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों से भूल हुई है जिन्होंने ये कह दिया कि परमात्मा बहुत दूर है, सूर्य से भी परे है, आकाश से भी परे है, निराकार है, अनंत है और बहुत दूर है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के पार है। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों से कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं जिसके कारण आज हम उस परमात्मा से दूर होते गए और अपने मार्ग से भटकते चले गए। क्योंकि जिसको इतना दूर बता दिया गया, जिसको हमसे इतने दूरी पर रख दिया गया, जिससे भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई, जिससे भ्रम पैदा कर दिया गया, उस कारण से चूकते चले गए। और जब हम ये समझने लगते हैं कि संसार से बहुत दूर है वो परमात्मा, हमसे बहुत दूर है वो परमात्मा, फिर हमारे अंदर जो खोजने की भावना थी, जो प्राप्त करने की भावना थी, जो उस परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम उमड़ रहा था, वो संकुचित होता गया, वो इकट्ठा होता गया और उस परमात्मा से दूर होते चले गए। हम ये समझते चले गए कि वो तो इतनी दूर है, इतनी दूर कैसे पहुंचा जाएगा, किस प्रकार से जाया जाएगा, वहाँ नहीं जाया जा सकता, वो तो
अनंत है, हम इतनी दूर रहते हैं, हम इतने छोटे छोटे कदमों से कैसे पहुंच पाएंगे। वो तो इतना इतना लाखों करोड़ों मील दूर है। जब सूर्य ही करोड़ों मील दूर है तो परमात्मा तो और भी दूर होगा। तो हमने उस परमात्मा से कदम उल्टा हटा करके संसार की ओर मोड़ दिया और हम ये सोचने लगे कि संसार की जो वस्तुएं हैं इन्हीं को पा लिया जाए। और परमात्मा कोई पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा तो बहुत दूर का नाम है और कहने मात्र की वस्तु है, ध्यान मात्र की वस्तु नहीं है। और परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं खोजा जा सकता, वो बहुत दूर है। हम पास की वस्तुओं को तो प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, हम नज़दीक की वस्तुओं को तो प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तु है हम ये कहकर के उसे दूर हो जाते हैं कि ये हमें प्राप्त नहीं होगी, हम बहुत दूर हैं। और वो परमात्मा इतना बड़ा है, हम बिल्कुल निमित्त मात्र हैं, हम बिल्कुल छोटे से हैं, ये कहते कहते हम दूर हटते चले जाते हैं और उस परमात्मा से विमुख होते चले जाते हैं। जितना हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं उतना ही संसार की ओर मुड़ते चले जाते हैं। हमें संसार के अंदर यश मान प्रतिष्ठा धन वैभव भोग विलास संसार की जो जो भी वस्तुएं हैं ये हमें प्रिय लगने लगती हैं। और परमात्मा जो हमारे सबसे नज़दीक है, जो हमारे सबसे करीबी है, वो हमें बहुत दूर नज़र आने लगता है। जब हम परमात्मा को अपने नज़दीक मानने लगेंगे, जब हम परमात्मा को रोम रोम में रमा हुआ मानने लगेंगे, जब हम परमात्मा को इस सांस से भी करीबी मानने लगेंगे, क्योंकि जो ये श्वास है ये भी दूसरा है, प्राण आत्मा के सबसे नज़दीक तत्व है लेकिन आत्मा नहीं है, आत्मा इस प्राण से भी अलग तत्व है, जो उस ब्रह्म का अंश है, जो उस चेतना का अंश है, जो उस परमात्मा का अंश है, जिसको हमने ये मान लिया कि हम उसे बहुत दूर हैं, लेकिन वो दूर नहीं है। क्या वो पेड़ पौधों के रूप में विराजमान नहीं है? क्या वो प्रकृति के रूप में विराजमान नहीं है? क्या वो इन सब जीवों के रूप में विराजमान नहीं है? क्या वो रोम रोम में रमण करने वाला नहीं है? क्या ऐसा कोई स्थान है जहाँ वो न हो? क्या ऐसी कोई वस्तु है जो उसके बिना चल सके? ये अनुभव का विषय है। आप जब अनुभव करने लगेंगे तब आपके उत्तर अपने आप आने लगेंगे। जो आप प्रसन्न करोगे उत्तर भी वहीं से खोज निकालना होगा। अगर आपका प्रसन्न कहीं उठे और उत्तर कहीं निकलने लगे तो न ही प्रसन्न पूरा होगा, न ही आप उत्तर निकाल पाएंगे, आप उससे दूर होते चले जाएंगे और एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। हमारा समाज, हमारा संसार, हमारा अध्यात्म, हमारा जीवन उस परमात्मा से विमुख कर दिया गया है, ये कह करके उन्होंने अपने असमर्थता तो नहीं मानी कि हमारे अंदर ही कोई कमी हो सकती है जिस कारण से हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, बस दोष देते गए और इसी कारण से जीव नास्तिक होते चले गए। और एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा एक नास्तिकता का रूप ले लिया। जब वो ये समझने की कोशिश करेंगे, जब वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा बहुत नज़दीक तत्व है और उसके बिना यह शरीर नहीं चल सकता, तो नास्तिकता से आस्तिकता बिल्कुल करीब होगी। बहुत ही कमज़ोर एक जर्जर सी दीवार खड़ी कर दी गई है, उस दीवार को जो ही आप धकेलेंगे, जो ही आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप ही टूटती चली जाएगी और सार और असार छटता चला जाएगा। जब तक सार और असार का अनुभव नहीं होगा तब तक हम इन शास्त्रों के पीछे ही दौड़ते रहेंगे।
और दौड़ लगाते रहेंगे। कितना भी हम इनके पीछे भागें, उतना ही वो परमात्मा हमसे दूर होता चला जाएगा। हम समझ नहीं पा रहे, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एक फकीर एक जगह से गुजर रहा, एक झोपड़ा जिसके अंदर एक किसान रहता था, गरीब किसान लेकिन खुशहाल था, बिल्कुल खुशी से झूमता हुआ, हर समय झूमता रहता था। फकीर आया, उन्होंने कहा, अरे तुम क्या कार्य करते हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं कृषि का कार्य करता हूँ और इसी से गुजर बसर हो जाता है। उन्होंने कहा, कहाँ तुम मिट्टी के साथ मिट्टी हुए जा रहे हो? मैं संसार में बहुत घूमा हूँ, मैंने बहुत संसार देखा है, चारों तरफ घूम घूम करके देखा है। इस धरा के ऊपर हीरों की खाने भी हैं, कहाँ मिट्टी से मिट्टी हो रहे हो? हीरों की खोज करो, एक पल में करोड़ों का सौदा हो जाएगा और तुम एक पल में अमीर हो जाओगे। इतना कहना था, फकीर तो ये कह कर के सो गया। लेकिन उस दिन के बाद वो किसान नहीं सोया, उसका संतोष चला गया, उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए। वो विचार करने लगा, पहले तो निश्चिंत होकर के सो जाता था, जब तक उन्होंने जाना नहीं था, जब तक उन्होंने संसार का ख्याल नहीं था, जब तक उसकी तृष्णा न बढ़ी थी, जब तक उन्होंने अमीर होने का ख्याल न किया था, तब तक तो गहरी निद्रा में सो जाता था। लेकिन जो ही फकीर के शब्द लगे, उनकी निद्रा गायब हो गई, पूरी रात न सो पाया। सुबह होते ही अपने खेत बेच दिए, झोपड़ा बेच दिया, सब कुछ बेच करके और बाजार की तरफ निकल लिया और खोजने लगा हीरे की खाने। हीरों की खान खोजते खोजते कई वर्ष बीत गए। जो उन्होंने बेच करके इकट्ठा किया था, जो भी पैसे आए थे, जो भी उसे कुछ मिला था, वो सब का सब कुछ धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा और एक दिन बहुत गरीब हालत हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया। 12 वर्ष बाद फिर वही फकीर वहीं से गुजर रहा। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग जहां एक रात्रि के लिए विश्राम करते हैं या कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं, जब भी आप वहां से गुजरते हैं, आपके मन के अंदर बिल्कुल वही ख्याल आता है, क्यों न यहीं रुका जाए, मैं यहीं रुका था एक रात्रि के लिए, कैसा व्यवहार हुआ था, क्या किया था, सब कुछ बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। उसी प्रकार से फकीर 12 वर्ष बाद वहीं से गुजर रहा था। उन्होंने सोचा, क्यों न उस किसान का हाल जाना जाए, उसके यहाँ रुके थे, भोजन ग्रहण किया था, कुछ देखा जाए, सोचा जाए उसके विषय में भी। वो सोच रहा था, सोचते सोचते वही झोपड़ा आ गया, उस झोपड़े की जगह मकान बना दिया गया था और कृषि की जा रही थी। जा करके पूछा कि यहाँ वो किसान रहता था? उन्होंने कहा, महाराज जी वो तो सब कुछ बेच करके चला गया और मैंने सब कुछ खरीद लिया। कोई फकीर आया था, उन्होंने कहा था कि हीरों की खाने तलाश करे, इतना कह करके वो फकीर तो उधर निकल गया और वो किसान सब कुछ बेच करके वापस चला गया खोज के अंदर, तलाश के अंदर। लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। कुछ दिन पहले ही संदेश आया है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो गरीबी की हालत में, भुखमरी की हालत में अपने प्राण त्याग दिए और एक चौराहे पर लावारिसों की तरह से उसकी लाश पड़ी थी और राजा ने उसको, मंत्रियों ने उसको दाह संस्कार किया है, उसको दबा दिया गया है, अंतिम क्रिया कर दी गई है
ये कह रहा था। फकीर मुस्कुराता रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा। तभी जिन्होंने उस जमीन को खरीदा था उसका बच्चा आया और एक पत्थर से खेल रहा था। आपने भी देखा होगा जब बच्चे दो पत्थरों के साथ आपस में मारामारी करके खेलते हैं, भिन्न भिन्न तरह के खेल उत्पन्न कर लिए जाते हैं मनोरंजन के लिए। वो बच्चा उन पत्थरों से बड़े चमकीले पत्थर उनसे खेल रहा। फकीर की नज़र उसके ऊपर पड़ी। फकीर ने कहा, अरे इन पत्थरों से तुम कैसे खेल रहे हो, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा, महाराज जो ये बच्चा मेरा है और ये पत्थरों से खेल रहा है, ये पत्थर तो मेरे खेत में भरे पड़े हैं, बहुत से ऐसे पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि इकट्ठा करके लाओ। वो बहुत पत्थर इकट्ठे करके लाए और उन्होंने कहा, ये तो हीरे हैं, पत्थर नहीं हैं। उन्होंने कहा, नहीं ये पत्थर हैं। फकीर मुस्कुराया और कहा कि मैंने अनुभव किया है, मैंने परख की है, अगर यकीन न हो तो किसी पारखी से, किसी जोहरी से इनकी परख करा लीजिए, तुम्हें बिल्कुल सब कुछ नज़र आ जाएगा, साक्षात दिखाई देने लगेगा। और वो बिल्कुल खोल करके रख देगा। जो ही वो जोहरी के पास गए उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हीरों की खान के पत्थर थे और जो वो किसान छोड़ करके दूर भागा था वो खेत नहीं, वो हीरों की खाने थी। वो आपने सुना हो या न सुना हो, उस किसान का नाम अली हाफिज था और गोलकुंडा नाम का वो गांव था। इस संसार के अंदर जितने भी प्रसिद्ध हीरे जवाहरात जितने भी निकले वो उसी के खेत से निकले हैं। जितने भी आपने नाम सुने, लगभग संसार के अंदर बड़े बड़े शायद कोहिनूर तक भी उसी अली हाफिज के खेत से प्राप्त हुआ। लेकिन वो प्राप्त हुआ तब जब वो अपने खेत को बेच करके जा चुका था, उस खेत से दूर जा चुका था। यही हालात हमारे हो गए हैं। हम उस परमात्मा को खोजने के लिए, उस परमात्मा को तलाशने के लिए हम उस परमात्मा से ही दूर भाग रहे हैं। इस तरह से कैसे प्राप्ति होगी, कैसे खोज होगी? जितना हम खोजने की कोशिश करेंगे उतना ही हम उस परमात्मा से दूरी बढ़ती चली जाएगी और उस परमात्मा से दूर भागते चले जाएंगे। इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। कितना भी आप प्रयत्न करते रहें, कितना भी खोजते रहें, लेकिन आप खोज नहीं पाएंगे। केवल बंधा हुआ उत्तर ही मिल सकेगा और जब तक आपके पास ये बंधा हुआ उत्तर है तभी तक सब बंधन है, तभी तक आपके अंदर भय है, तभी तक आपके अंदर वासनाएं हैं, तभी तक आपके अंदर बुद्धि है। जब तक ये बुद्धि कार्य कर रही है तभी तक सब प्रकार की परेशानियां हैं, तभी तक हमारी अपनी चतुराई है। लेकिन जब ये बुद्धि अपना कार्य कम करने लगेगी और धीरे धीरे ये बंद करने लगेगी तो हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगेंगे, उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन हम बढ़ना ही नहीं चाहते, हम अटक करके खड़े हो गए हैं, हम अपने मार्ग से भटक करके खड़े हो गए हैं। शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया है, हमने शब्दों को सत्य मान लिया है, हमने पुस्तकों को सत्य मान लिया है, हम फंसते चले गए और उस परमात्मा से नज़दीकता की बजाय हम उस परमात्मा से दूर होते चले गए। संसार में हमारे साथ बहुत ही अद्भुत आश्चर्यमय खेल चल रहा है। हम ये उस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति सारे संसार को प्रकाश के विषय में बताए, प्रकाश की चर्चा करे, सूर्य के तेज का वर्णन करे, लेकिन वो समय कैसे जान पाएगा, कैसे देख सकता है? वो जो पढ़ रहा है वही बोल रहा है, वो उसका अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। आप अनुभव के विषय में अगर प्रश्न करोगे तो वह भी बंधे बंधाए उत्तर होंगे।
वही सीमित सा दायरा होगा, वही सीमित सा खेल होगा, असीमित नहीं होगा। और जब तक ये सीमित खेल चल रहा है तब तक वो परमात्मा दूर है, तब तक वो ज्ञान दूर है, तब तक वो ब्रह्म दूर है, तब तक वो सार दूर है, तब तक वो चेतना दूर है, तब तक हमारे अंदर विराजमान होते हुए भी आत्मा हमसे दूर है। और हम इस जीव भाव के अंदर, इस छोटे से जीव हमने मान लिया कि हम जीव हैं, और जब हम ये मान लेते हैं हम जीव हैं तो हम उस आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। और जितना नज़दीक लगने की कोशिश करते हैं, जितना नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उतना ही दूर हटते चले जाते हैं। जो हज़ारों वर्ष पुराने शास्त्र हैं, जो हज़ारों वर्ष पुराने पुस्तकें हैं, उनके अंदर हम उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, प्रश्न हमारे अंदर आज उठ रहे हैं और उत्तर उन पुस्तकों के अंदर खोज रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? उस समय के उत्तर उनके जो उठे वो प्रदान कर दिए गए, वो उत्तर दे दिए गए, लेकिन जो आज उत्तर उठ रहे हैं वो आज खोजने होंगे हमें, आज अनुभव करने होंगे, उन पुस्तकों के अंदर नहीं, समय के अंदर खोजने होंगे। अगर हम इन्हीं पुस्तकों के अंदर खोजते चले गए तो परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। आप कितने भी शास्त्रों को खोलिए प्रकाश नज़र नहीं आएगा, आप कितने भी शास्त्रों को खोलिए आपको उनका अनुभव तो नज़र आ जाएगा, लेकिन आपका अनुभव कुछ भी नहीं होगा, आपका अनुभव बिल्कुल शून्य होगा। एक लड़का, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 8-10 वर्ष का, आंगन के बीच खेल रहा, बगीची थी, कोयल कूक रही, पक्षी तोते भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाज़, हरियाली, सूर्य की किरण, प्रकाश, रोशनी, ताजी हवा, अच्छा वातावरण, खुशी का माहौल, सब कुछ वहाँ विराजमान, और बच्चों का कोलाहल, सब कुछ चल रहा। उसकी माँ बीमार थी, उन्होंने देखा कि क्यों न ये पक्षियों की आवाज़, सूर्य की किरणों को, प्रकाश को, इस खुशनुमा माहौल को, इस हरियाली को, इस फूलों की सुगंध को, जो भी चल रहा है यहाँ, उसको एक डिब्बे के अंदर बंद करके, पेटी के अंदर बंद करके माँ के पास ले जाया जाए और वहाँ प्रकाश फैला दिया जाए और ये आवाज़ फैला दी जाए। उन्होंने सोचा, वो एक पेटी ले आया और सब कुछ उसके अंदर बंद करने का प्रयत्न करने लगा। बच्चा था, जानता नहीं था कि ये नहीं रोका जा सकता, ये नहीं इकट्ठा किया जा सकता, ये अनुभव नहीं ग्रहण किया जा सकता, ये तो वही ग्रहण कर सकता है जो इस माहौल के बीच हो, जो इस स्थान पर हो, वही जान सकता है, वही प्राप्त कर सकता है। उसने डिब्बे को चारों तरफ से बंद किया, पैक किया और अंदर ले गया, अंदर जा कर के खोल दिया और बड़ा निराश हुआ, बहुत निराशाजनक। उन्होंने, उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, माँ, मैं आपके लिए फूलों की सुगंध ले करके आया था, सूर्य की किरण ले करके आया था, ताजी हवा ले करके आया था, लेकिन जब तक यहाँ तक ले करके आया कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। उसकी माँ मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये यहाँ तक नहीं लाई जा सकती, ये वही अनुभव किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारे शास्त्र है, ये उसी डिब्बा बंद हवा की तरह से, डिब्बा बंद प्रकाश की तरह से हैं और उसी तरह से हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम उसी के अंदर भटक रहे हैं लेकिन खोज नहीं रहे। जय
जब हम खोजने का प्रयत्न करेंगे तो उस परमात्मा की ओर बढ़ने लगेंगे, लेकिन हम विपरीत मुड़ करके, उल्टा घूम करके, उल्टे दिशा में चल करके और ही कहीं बढ़ते जा रहे हैं और उस परमात्मा से दूरी बनाते जा रहे हैं। जब तक हम उस परमात्मा को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जब तक उसका नाम सुमरण नहीं करेंगे, जब तक इस बुद्धि के ऊपर काबू करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम उस परमात्मा से दूर हैं, केवल सदे हुए उत्तर दे रहे हैं, केवल सदा हुआ खेल चल रहा है, लेकिन वो परमात्मा बहुत दूर है ये कहना बिल्कुल गलत है। वो रोम रोम के अंदर विराजमान है, लेकिन उसको खोजने के लिए, उसको जानने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से उस लोमड़ी को कह दिया गया था कि अंगूर खट्टे हैं और वो लोमड़ी ये कह कर के निकल गई, हाथ तो अंगूरों के गुच्छे लगे नहीं और अगर कुछ लग भी गए तो जब हाथ लगना बंद हुए तब कहने लगे कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जब तक अंगूर मिल रहे थे तब खट्टे नहीं बोला, जब अंगूर मिलने बंद हो गए तब खट्टे बोलना शुरू हो गया। अपनी असमर्थता नहीं जताई, अपनी अपात्रता नहीं जताई, अपने अंदर कमियां नहीं देखी, अंगूरों को खट्टा बोलते चले गए। तो ये जो अंगूरों का खट्टापन है ये नास्तिकतावाद है, ये हमारे अंदर की कमियां हैं, ये हमारे अंदर की अपात्रता है जो झलका रही है कि उस नूर के योग्य नहीं हुए हैं हम, उस नूर को नहीं पा रहे हैं हम, उस नूर के करीब नहीं हैं हम, उस चेतना से दूर हैं हम। हम केवल बंधे बंधाए उत्तरों को चाहते हैं, हम केवल तलाश को चाहते हैं। कोई देवी की तरफ भाग रहा है, कोई शिव की तरफ भाग रहा है, कोई राम की तरफ भाग रहा है, कोई कृष्ण की तरफ भाग रहा है, कोई देवी देवताओं की ओर दौड़ रहा है, हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा में भाग रहा है, लेकिन मंजिल कोई भी नहीं है। ये मंजिल नहीं है, ये सब के सब पड़ाव हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई भी हो, ये सब के सब पड़ाव हैं, मंजिल नहीं है। मंजिल तो आप समय हैं, मंजिल तो आप समय जब खोज करेंगे तभी मंजिल प्राप्त होगी, नहीं तो मंजिल प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप वहीं ठहर पा जाएंगे जहाँ तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस देवता तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहीं अटक करके रह जाएंगे और उस मार्ग पर चलते हुए भी आप वहीं रुक जाएंगे। जब तक आप उस सच्चे बादशाह को नहीं प्राप्त कर लेते आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। आपको भटका दिया गया है कि जीवन मुक्त होना आसान कार्य नहीं है, आपको भ्रमित कर दिया गया है कि आप संसार के अंदर इस प्रकार से उसको नहीं प्राप्त कर सकते, आपको संन्यास लेना होगा, आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, आपको भिन्न भिन्न व्रत धारण करने पड़ेंगे, आपको वस्त्र बदलने होंगे, आपको तपस्या करनी होगी, आपको वर्षों खड़ा रहना पड़ेगा, आपको बर्फ के अंदर रहना पड़ेगा, आपको पंद्राओं में रहना पड़ेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा, आपको संसार से दूर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उन लोगों के विचार हैं, ये उन लोगों के शब्द हैं जो केवल संकुचित होते चले गए, जो केवल एक मार्ग को जानते थे, जिन्होंने केवल एक मार्ग का वर्णन किया है, वो सब मार्गों को नहीं जानते थे, वो केवल एक नदी मात्र थे जो सागर के अंदर मिलती चली गई, लेकिन सागर के अंदर इस प्रकार की अनंत अनंत नदियां मिल रही हैं, चारों तरफ से मिल रही हैं। उन्होंने केवल अपनी नदी को ही श्रेष्ठ बताया, उन्होंने केवल अपने मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया, उन्होंने केवल जिस रास्ते पर वो चल करके गए वही श्रेष्ठ बताया। उस मार्ग को वो नहीं जानते जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, वो उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाए, वो उस निष्कामता तक नहीं पहुंच पाए
जहाँ कर्म करते हुए भी बीज उत्पन्न नहीं होता और जहाँ बीज उत्पन्न नहीं होता वहाँ वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, जहाँ वृक्ष नहीं होता वहाँ फिर फल उत्पन्न नहीं होते, फल उत्पन्न नहीं होंगे तो फलों के अंदर बीज कैसे होंगे, तो बिल्कुल मिटता चला जाएगा। जब हम उन बीजों को तल देंगे कढ़ाई के अंदर तो वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो आप जो निष्कामता की अग्नि है, जो ज्ञान की अग्नि है, इसके अंदर जब वो बीज दग्ध हो जाएंगे तो जीव फिर दोबारा जन्म नहीं प्राप्त करेगा, फिर जन्म मरण के बंधन से दूर होता चला जाएगा और बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति होगी, कवल्य की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि मोक्ष यहाँ से जाने के बाद प्राप्त होगा, ये नहीं कि मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त होगा, ये नहीं कि मोक्ष संसार से दूर जाने के बाद प्राप्त होगा या मोक्ष लाखों वर्ष के बाद प्राप्त होगा। नहीं, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, इस संसार के अंदर ही रहते हुए प्राप्त किया है, जिसने उस ब्रह्म को प्राप्त किया है, संसार में रहते हुए ही प्राप्त किया है, जब तक हम संसार के अंदर हैं तभी तक सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब तक आपके पास ये शरीर है तभी तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी उम्र जब तक ये शरीर है तब तक हम इन शास्त्रों को ही इकट्ठा करने में लगे रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक विद्वान जिन्होंने 40-50 वर्ष तक लगातार अध्ययन किया, जीवन में किताबें, शास्त्र, पुस्तकें, नियम, मर्यादा, धर्म, शब्द, अक्षर, वो पंक्तियाँ, घटनाएँ, लोगों के अनुभव, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, उपनिषद, भागवत, सब कुछ खोज खोज करके तैयार करता रहा। 40-50 वर्ष कितना पढ़ा होगा आप ये अनुभव कीजिए, कितना समय लगाया होगा, हर रोज 12-14 घंटे अभ्यास, अभ्यास ध्यान का नहीं, अभ्यास पढ़ाई का। बड़ा विद्वान, कोई भी शब्द नीचे नहीं पढ़ने देता, शब्द को ऊपर की ऊपर ही उठा देता, बड़ा तर्कशील। इस प्रकार के लोगों की ख्याति समाज के अंदर भी फैल जाती है, समाज उन्हें ज्ञानी समझ लेता है, तेजस्वी समझ लेता है, शक्तिशाली समझ लेता है, सिद्ध समझ लेता है, बहुत दूर तक ख्याति फैली हुई। लेकिन वो समय तो जानता था कि मैंने कुछ नहीं पाया है, मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे उस चेतना का आभास नहीं हुआ है, लेकिन शब्दों की बुद्धि भरी हुई थी, शब्दों का जाल बुद्धि के अंदर बड़ा ठूस ठूस के भर लिया था, जो भी बोलता पहले ही उत्तर देता दे देता, क्यों, क्योंकि बहुत सीख लिया था, बहुत पारंगत हो गया था। लेकिन समय जानता था कि आयु का आखिरी पड़ाव चल रहा है, वो कुछ भी हाथ नहीं आया, कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ, न कोई ज्ञान है। उन्होंने विचार किया श्याम को ही, किया तो सागर किनारे पहुंचा, किया तो आज प्राण दे दूंगा या उस चेतना की प्राप्ति हो जाएगी, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और वो रोने लगा, बार बार पुकारने लगा हृदय के साथ। जान तो सब कुछ लिया था लेकिन किताबों के अंदर जो अहंकार की दीवार थी वो नहीं गिरा पा रहा था, वो बड़ी मजबूत खड़ी की थी। लोगों ने, आने वाले भक्तों ने, संसार ने बहुत मजबूत खड़ी की थी, वो दीवार नहीं टूट पा रही थी और वो प्रयत्न करने पर भी नहीं तोड़ पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, वो रोता रहा, पुकारता रहा,
जब सूर्य की किरण पड़ी वो भी संकल्प करके आया था कि या तो आज प्राण चले जाएंगे या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। जो ही सूर्य की किरण निकली, किरण निकलते ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था। वापिस मुड़ करके उन्होंने देखा कि कौन रो रहा है, इतनी सुबह यहाँ बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, क्या करने के लिए आया है। वो बच्चे के पास गया। बच्चे के पास जाते ही उन्होंने बच्चे से पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा रोता रहा। उन्होंने कहा, तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर पाओगे, मुझसे मत पूछो। फिर उन्होंने पूछा कि कुछ तो बोलो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बच्चे ने रोते रोते कहा, मैं ये मिट्टी का पात्र लेकर के आया हूँ घर से, और घर से कसम खा करके आया हूँ, या तो इस पात्र के अंदर पूरे सागर को ले जाऊंगा या फिर अपने प्राण दे दूंगा। इतना कहना था कि उस विद्वान को बड़ा झटका लगा और बिजली सी कूद गई पूरे शरीर के अंदर, बिजली दौड़ गई और वो नाचने लगा, रोने लगा और बच्चे के पैरों के अंदर गिर पड़ा और बड़ा प्रायश्चित करने लगा। बच्चे ने पूछा कि आप तो फकीर हो, आप तो महात्मा हो, आप तो सारे संसार आपकी पूजा करता है, आप ये क्या कर रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि आज तक जो मैं जी रहा था वो संसार के अंदर दिखावे के लिए जी रहा था, केवल ढोंग करके जी रहा था, केवल शास्त्रों के आधार पर जी रहा था, केवल नियमों के आधार पर जी रहा था, केवल अहंकार के आधार पर जी रहा था, केवल मर्यादा के आधार पर जी रहा था, केवल विद्वता के अहंकार पर जी रहा था, ज्ञान के आधार पर नहीं, परमात्मा के आधार पर नहीं। लेकिन जो तुमने आज मुझे सिखाया है वो आज तक मैंने किसी से नहीं सीखा, वो मैंने केवल आपसे ही सीखा है। मैं भी इस संकुचित बुद्धि को लेकर के आया था कि या तो आज परमात्मा को ले जाऊंगा या प्राण छोड़ दूंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि इस मेरे छोटे से पात्र में उस अनंत का कैसे वास हो सकता है। इतने बड़े, इतने विकराल, इतने अनंत, इतने चेतन, इतने शक्तिशाली, इतने विराट, रोम रोम में रमण करने वाले उस परमात्मा का वास इस संकुचित छोटी सी बुद्धि के अंदर कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से तुम्हारे इस छोटे से मिट्टी के पात्र के अंदर इस सागर, इतने विस्तार जिस सागर का है, इतना गहरा जल जिसके अंदर है, इतना जल जिसमें समाया हुआ है, इतना अनंत इकट्ठा जल है, कोई छोटे से पात्र में कैसे आ सकता है। उसी प्रकार से मेरी छोटी सी बुद्धि के अंदर इतना विराट परमेश्वर परमात्मा कैसे विराजमान हो सकता है। इतना कह करके वो नाचता गाता मस्त होता चला गया। आज तक जब भी वो कुटिया के अंदर विराजमान रहता था, बड़ा उदास रहता था, लेकिन आज मुस्कुरा रहा, नाच रहा, गा रहा। उनके शिष्य पूछ रहे, आप तो कभी नाचते गाते नहीं थे, आप कैसे नाच गा रहे हो। उन्होंने कहा कि आज मैंने उसको जान लिया, आज मैंने उसको पा लिया, जो मिलना था मुझे मिल गया। अब इस संसार के अंदर, इन शास्त्रों के अंदर, इन नियमों से हम ऊपर उठते चले गए। तो जब आप उसकी खोज करेंगे, जब आप उसका अनुभव करेंगे, जब आप उसकी प्राप्ति की कोशिश करेंगे, जब आप उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेंगे, तो वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। ये भ्रमित करने वाली बात है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को मिला ही नहीं, वैसे ही बोल देते हैं। लेकिन ये सब लोमड़ी वाली बात हुई कि अंगूर खट्टे हैं और निकलते चले गए।
उसको नहीं मिला तो आपको नहीं मिले, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस जिसने खोजा है, जिस जिसने प्रयत्न किया है, जिस जिसने उसको चाहा है, जिस जिसने उसकी ओर कदम बढ़ाया है, उसने उस परमात्मा को, उस चेतना को प्राप्त किया है। तो आप जितने भी कोशिश करेंगे, जितना भी ध्यान करेंगे, जितना भी अनुभव करेंगे, उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने का कीजिए। जब आप खोज करेंगे, अनुभव चाहे बिल्कुल बारीक सा कीजिए, लेकिन अनुभव कीजिए। अनुभव आपका समय का तो है, आपका तो है, आप ही की तो चेतना है, आप ही ने तो पाया है। अगर आप अपना अनुभव नहीं कर पा रहे, खोज नहीं कर पा रहे, चाह करके भी नहीं हो पा रहा, तो आप उस परमात्मा से चाह करके भी नहीं मिल पाएंगे और इन शास्त्रों के अंदर ही अटक भटक जाएंगे और उस परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ जितने भी जीव आए हैं, कोई भी प्यासा न रहे, जो जिस भाव से आया है, जो जिस लगन से आया है, जो जिस चाहत के साथ आया है, जो जिस इच्छा के साथ आया है, ये संसारिक इच्छाएं तो पूरी होती चली जाएंगी, लेकिन सब के सब लोग आप एक और इच्छा उत्पन्न करो, आप एक और आशा उत्पन्न करो, आप एक और कदम बढ़ाइए उस परमात्मा की ओर। जब तक आप उस परमात्मा की ओर कदम बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो जिस भाव के साथ, जिस तरह से आया है, परमात्मा उसको उसी भाव के अनुसार जो उसे चाहिए वो प्रदान करता चला जाता है। अब की बार हमने बहुत प्रभाव देखा है महिलाओं के अंदर भी और कुछ पुरुषों के अंदर भी, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, एकता के साथ, कुछ लोग हमने वो भी देखे हैं जो ये सोचते हैं थोड़ी धूप कम होगी तब हम सेवा करने लगेंगे, तब हम हमारे सेवा की शुरुआत होगी, थोड़ी ठंड होगी। कुछ लोगों के हमने ये विचार भी देखे हैं कि पहले आश्रम बन जाए, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है, क्या करेंगे। तो कुछ लोग हमने वो भी देखे हैं जो तय दिल से, जिन्होंने न धूप देखा, न मिट्टी देखी, न दोपहर देखी, कुछ भी नहीं देखा, न अपना परिवार देखा, कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक पल में बड़ी मेहनत के साथ। कुछ लोग हमने वो भी देखे जो हर रोज़ सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग हमने वो भी देखे कि हम आ गए तब तक तो कुछ भी देखते, तो जब तक हम खड़े हैं तब तो भागम भाग मची है, जो ही हम दूर हुए वो शांत चित्त के साथ वापिस अपनी स्थिति में और ये सोचने लगे बड़ी मुश्किल से ये दुविधा दूर हुई और गुरु जी बड़े मुश्किल से दूर हुए हैं, वरना एक घंटा और रुकते तो हमारे तो शरीर का ही बुरा हाल हो जाता। हमने वो लोग भी देखे हैं। तो हम भाव देखते हैं लोगों का, हमने वो भाव भी देखा है लोगों का कि जिसके पास केवल 100 रुपये हैं और अपना किराया रख करके बाकी के सब पैसे, चाहे एक ईंट आए, चाहे 4 ईंट आए, सब के सब दे करके चले गए, हम उस भाव के भी बड़े ऋणी हैं, क्योंकि वो भाव बड़ा कठिन लोगों का होता है। हमने वो भाव भी देखा है जिसके पास कुछ न होते हुए भी अपने तन से इतनी मेहनत कर दी कि हम सोचते रह गए और उसे देखते रह गए, और जितना उसको ज़रूरत है वो परमात्मा सच्चा बादशाह उसको प्रदान करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो भाव की बात है, ये तो श्रद्धा की बात है, ये तो यज्ञ चल रहा है, ये तो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये तो धर्म यज्ञ हो रहा है। इसमें धर्म और अधर्म दो तरह की जंग चल रही है। जो जीव धर्म के साथ खड़ा होगा वो धर्म के साथ गिरा जाएगा, जो जीव अधर्म के साथ खड़ा होगा वो अधर्म के साथ गिरा जाएगा। मैंने वो लोग भी देखे हैं
जो खड़े तो हमारे साथ हैं लेकिन विचार है धर्म के हैं। बहुत दूर हैं वो लोग जो दिखाते तो हमारे साथ हैं लेकिन हैं है धर्म के साथ। लेकिन हमने वो लोग भी देखे हैं जो आज हैं तो हमसे बड़े दूर लेकिन हैं हमारे साथ, है धर्म के साथ रहते हुए भी वो धर्म का साथ दे रहे हैं। तो सब जगह पर जिस प्रकार से लंका के अंदर रावण के साथ रहते हुए भी विभीषण राम जी के साथ था, उसी प्रकार से धर्म के साथ हर जगह से लोग छटते चले जाएंगे और निखार होता चला जाएगा। ये केवल इतना नहीं जो आप देख रहे हो, ये केवल इतना नहीं जो आप जान रहे हो, ये केवल इतना नहीं जितना आप समझ रहे हो, ये केवल सीमित नहीं चल रहा। ये आप देखोगे एक दिन इतिहास की रचना हो रही है। एक कपल में इतिहास की रचना नहीं हो जाती, वर्षों लग जाते हैं, उम्र गुजर जाती है, लेकिन जो ये चल रहा है एक दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उदाहरण दिए जाएंगे सब के सब लोगों के। जिस प्रकार से रामायण के सब पात्रों के उदाहरण दिए जाते हैं, जिस प्रकार से महाभारत के करण से लेकर के युयुत्सव तक के उदाहरण दिए जाते हैं, उसी प्रकार से सब के सब जीवों के उदाहरण दिए जाएंगे, चाहे वो साथ खड़ा हो चाहे वो दूर खड़ा हो। लेकिन एक एक जीव को तराजू में रख करके तोला जाएगा। हमारा अगला प्रोग्राम आज का गोवर्धन के अंदर होगा, शायद ये गोवर्धन का हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। फिर परमात्मा जब आदेश देगा तब प्रोग्राम शुरू होंगे, नहीं तो तब तक यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। अगली नौ जो गुरु पूर्णिमा होगी, अगली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहीं आपके धाम के अंदर होगा। आज का गोवर्धन का और अगली नौ का यहाँ का प्रोग्राम होगा। और एक और कार्य जो अभी आया है वो 6 तारीख का है। जो भी हमारी युवा टीम है, जो भी जोश भरे लोग हैं, जिनको भी इंतज़ार था, फिर हमें ये मत कहना कि हमें पता नहीं चला और हम आ नहीं पाए। आपने हमें कहा नहीं और आपने हमें बुलाया नहीं। जो जो भी चाहे युवा और मजबूत, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझे, वो जो भी हमारा अपना समझे, वो लगभग 6 तारीख को लगभग 7 और 7:30 के बीच में यहाँ पहुँचने का कष्ट करे। इच्छा आपकी है, हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो सब फर्ज पूरे करने हैं। हम ऐसा कोई मौका नहीं देंगे, हम अपना कोई ऐसा फर्ज छोड़ेंगे नहीं, हम कोई पीछे नहीं हटेंगे कहीं से भी किसी भी जगह से। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोलने वाले, बोलने वाला वो सच्चा बादशाह है और जो वो बोलता है वो सब कुछ एक एक शब्द कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कोई रोक देगा उसे होने से। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम। Thank you.